प्रणाम दादाश्री। हमने तुम्हारा ध्यान तो नहीं तोड़ दिया वत्स? ध्यान तो अवश्य तोड़ दिया दादाश्री, यदि ना तोड़ा होता तो मुझे बहुत दुख होता। क्यों वत्स? यशस्वी भव। ध्यान ना टूटता तो आपके दर्शन कैसे होते? जिसकी सुगंध से मन मोहित हो जाता है वही फूल सामने आ जाए और आके बंद रहे तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं आप ही के ध्यान में मगन था दादाश्री, आपने क्यों आने का कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। अवश्य बुला लेता वत्स, किंतु विधि का नियम है कि प्यास लगी हो तो प्यासे को ताल के पास जाना पड़ता है, ताल प्यासे के पास कभी नहीं आता। इसका यह अर्थ हुआ दादाश्री कि आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? हां बरबरीक। मेरे हो भाग्य, मैं धन्य हो गया दादाश्री, आप आगे कीजिए। बरबरीक, तुमने गुरु विजय सिद्धसेन से जो 3 वाण प्राप्त किए उनकी महिमा तो बताई, किंतु वो वाण तो तुमने हमें दिखाए ही नहीं। जी दादाश्री, मैं अभी लाता हूं। चमत्कारी वाण दादाश्री। पहला वाण, लक्ष्य चाहे जहां भी छुपा हो उसे निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, और दूसरा वाण उसे जाकर समाप्त कर देता है। और तीसरा वाण वत्स? वो अतिरिक्त है दादाश्री, उसे चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तो इन वाणों को देखकर इनका चमत्कार देखने की इच्छा और बढ़ गई है वत्स। सामने कोई ऐसी वस्तु नहीं है दादाश्री जिस पर इन वाणों का प्रयोग करके आपको इनका चमत्कार दिखा सको। वत्स, यूं समझ लो कि ये वृक्ष जिसके नीचे तुम ध्यान मग्न थे, ये वृक्ष नहीं शत्रु की सेना है, और इसका हर पत्ता एक सैनिक है, और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना है। जो आज्ञा दादाश्री। Thank you.
क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहां कैसे आ गया? कोई बात नहीं वत्स, इसे मैंने ही यहां रखा था, ये देखने के लिए कि इन वाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। निसंदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इन वाणों का लक्ष्य अचूक है वत्स। किंतु एक विनती है दादाश्री। कहो वत्स। दादाश्री, इस पांव को सदा बचाए रखिएगा, इस पर और कोई वाण ना लगने पाए, क्योंकि मेरे वाण ने आपके पांव पे मुंह बना दिया है। अच्छा ये तो बताओ वत्स, कि तुमने अपने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया था? यही दादाश्री, कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। अच्छा, तो इसलिए तुम पांडव सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हो, क्योंकि पांडव सेना दुर्बल है और कौरव सेना बहुत विशाल है और उसमें अनगिनत पराक्रमी योद्धा है। बिल्कुल यही बात है दादाश्री। और यदि कल कौरव सेना दुर्बल होने लगी तो? तो मैं अपने वचन के अनुसार उनसे जा मिलूंगा। तुमने वचन देने से पहले कुछ सोचा नहीं वत्स? कुछ भी नहीं सोचा? जो वचन सोच के दिया जाता है दादाश्री, वो वचन नहीं व्यापार होता है। और जो वचन बिना सोचे दिया जाता है वत्स, वो भी वचन नहीं होता, एक अंधा जुआ होता है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। परंतु दादाश्री, मेरे वचन में तो ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे वचन में ऐसी ही बात है वत्स। मैं कुछ समझा नहीं। देखो वत्स, तुम हमारी ओर से युद्ध करोगे, तुम्हारी अपूर्व शक्ति के कारण कौरव सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो दुर्बल पड़ने लगेंगे। तुम अपने वचन की विवशता के कारण उनसे जा मिलोगे, फिर तुम पांडु परिवार से यानी अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करोगे, फिर वे दुर्बल पड़ने लगेंगे, तो तुम फिर पांडु परिवार से जा मिलोगे, और ये क्रम चलता ही रहेगा, यहां तक कि दोनों ओर का एक एक योद्धा समाप्त हो जाएगा। कुरु और पांडु वंश बीते समय की कथाएं बन जाएंगे, केवल तुम बचे रहोगे। अब ये बताओ वत्स, कि तुम इसे अपनी जीत कहोगे या हार, या फिर अपनी वचनबद्धता का पुरस्कार? दादाश्री, मैंने अपने इस वचन को कभी इस दृष्टि से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। यह तो बड़ी विचित्र परिस्थिति होगी। नहीं दादाश्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा वत्स, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए आजीवन श्राप बन जाएगा। श्राप?